Welcome guys, good morning everyone. A very good morning Pooja, Nilesh, Mohita, Ashish, Ronak, Pushkar. Welcome guys. Welcome Neha, there are many people here who are appearing for the CDS for the first time. You are welcome in this session. So I welcome each and every one of you to Unacademy, India's largest online learning platform. Welcome to this series, Let's Crack Defense Exam. Now guys, this is my name. My name is Anshum Verma. I come from a defense background. I have done my schooling from Army Public School, Delhi Kent. Now these are my educational qualifications. Plus I have qualified UGC NET JRF exam. That means I'm eligible to teach as an assistant professor in any university in our country, guys. And I already have a teaching experience of 10 years. And I have myself qualified this CDS exam 7 times. So welcome to this series, 1000 Steps to Your Uniform. सो गाइस इस सीरीज में मैं हर रोज इस चैनल पर 11 बजे आता हूँ विद अ सीरीज कॉल्ड एज 1000 स्टेप्स टू योर यूनिफॉर्म, जहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे डेली बेसिस पर, और वीकली मैं सब्जेक्ट्स को कवर करता हूँ. इस कंप्लीट वीक मैं इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगा. मंडे टू सैटरडे ये सेशन होता है 11 बजे. इज इट क्लियर? मंडे ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ. करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्लीट, यू नो, 30th तक. सो कंप्लीट 10 दिन हम करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. 11 बजे टाइम होगा. मंडे टू सैटरडे आपका जो टाइम स्लॉट है. संडे आपके लिए रिवीजन का टाइम है. जो भी आप हफ्ते में पढ़ते हो उसको आपको रिवाइज करना होगा ऑन संडे. इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी गोना अप्रोच ऑन दिस. सिमिलरली गाइस, शाम को 5 बजे मैं अनअकैडमी की ऐप पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ फ्री में. ठीक है, एक करंट अफेयर का मेरा कोर्स चल रहा है, तो अभी आप आ सकते हो और उसको थ्योरी क्लास पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स की. उसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी और मुझे फॉलो कर लेना होगा अनअकैडमी पर, जिससे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा. जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन करते हैं मेरी क्लास का टाइमिंग आपको अपने आप नोटिफाई हो जाएगा अनअकैडमी की तरफ से. और मैं प्लस के बच्चों के लिए एक ज्योग्राफी का बैच ऑलरेडी चला रहा हूँ, जहाँ पर ज्योग्राफी एकदम बेसिक से हम पढ़ रहे हैं. सो आप आ सकते हो, इस ज्योग्राफी के बैच को अटेंड कर सकते हो. ये शाम को 6:30 बजे ये सेशन होता है. इज इट क्लियर? सो गाइस, मैं फटाफट आपको सब्सक्रिप्शन के प्लान के बारे में बता दूँ कि प्लस के सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हो. एक साल में गाइस आप कम से कम 10 से 12 डिफेंस एग्जाम्स देंगे, और उन सारे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको बस वन टाइम सब्सक्रिप्शन ले लेना होगा. सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है 8800 रुपीज गाइस. बट जैसे ही आप मेरा कोड मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, और जो भी लर्नर मेरे कोड का इस्तेमाल करेगा गाइस, आई विल हेल्प यू आउट कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है. और एक सब्सक्रिप्शन में गाइस यहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं अनअकैडमी के, रिटन एज वेल एज SSB. रिटन प्लस SSB दोनों के कोर्सेज गाइस आपको यहां पर मिल जाएंगे. आपको अलग अलग पे करने की जरूरत नहीं है. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मान के चलिए आप अभी नवंबर में जब आप अटेम्प्ट देंगे, सो उसके 3 मंथ्स के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, और लगभग 1 मंथ और आप जोड़ लीजिए आपकी SSB की डेट्स आ जाएंगी. सो जब तक आपकी SSB आएगी इस नवंबर मंथ के CDS की, तब तक 5 से 6 महीने ऑलमोस्ट टाइम निकल चुका होगा. ठीक है, सो टेक्निकली आप इस बीच में अगला CDS भी दे चुके होंगे, जो कि कौन सा होगा, CDS 1 2021, जो कि फेब में होने वाला है. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसके पास भी 2 साल से ज़्यादा का टाइम है, वो 24 मंथ्स का पैक ले लीजिए. ये और भी सस्ता पड़ेगा आपको, 3500 रुपीज़ और देने हैं आपको, और 11,520 रुपीज़ में आपको मेरे कोड का 10% ऑफ भी मिलेगा, और सारे कोर्सेज आप कवर कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ यू नो एग्जाम्स ऑफ द डिफेंस एग्जाम्स रन्स. ओके, सो ये सारे कोर्सेज गाइस मैं आपको करा रहा हूँ. जैसे शाम को मैं करंट अफेयर विद रिटन एंड SSB दोनों के लिए करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा. अगर आपकी अपकमिंग SSB है तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. शाम को 5 बजे ये क्लास अनअकैडमी के ऐप पर होगा. इसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं आपको भी बता देता हूं उसको कैसे ज्वाइन करना है.
साथ ही मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके फॉर एफ कैट आई नेट, ये सारे कोर्सेज कराने वाला हूँ और कंप्लीट एसएसबी की प्रिपरेशन। इज इट क्लियर? आपको मैं कंप्लीट एसएसबी की प्रिपरेशन कराऊंगा, जहां पर आपको, अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपका पूरा साइक टेस्ट मैं इवेल्युएट करके दूंगा, आपको जीटीओ टेस्ट में हेल्प करूंगा, इंटरव्यू टेक्निक, पीआईक्यू, सब मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट गाइस, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जब जब मैं लाइव आऊंगा मेरे लिंक्स यहां पर आ जाते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे सेशन का, पीडीएफ के साथ साथ आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप डाउट भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो मेरे चैनल पर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट गाइस योर जर्नी टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। बट उससे पहले सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए दैट यू आर स्टैंडिंग इन दिस ग्रेसफुल यूनिफॉर्म एंड विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड लेट स्टार्ट टुडेज क्लास। इज इट क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। टुडेज टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड बजट। ठीक है, एग्रीकल्चर और जो बजट 2020 एंड 2021 का जो हमारा इस साल का एनुअल बजट है उसके अराउंड आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सॉर्ट ऑफ अ करंट अफेयर मिक्स है बट इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स होंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए कंप्लीट करंट अफेयर की सीरीज लेके आऊंगा। गाइस फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो जिसने भी अभी तक नहीं करा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज गेम गाइस। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट नाउ। Answer this. Pushkar, give it your best. Jo hoga, acha hoga. Acha, the thing is, there is something which is falling behind the screen. Main aapko bata deta hun, classification of countries likha hai. Classification of countries and per capita gross national income likha hai. Per capita gross national income. जो दो वर्ड आपके पीछे छुप रहे हैं, वीडियो के पीछे चले गए, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज, देन द स्टेटमेंट वन एंड देन इट इज क्लासिफाइज द कंट्रीज इनटू 3 ग्रुप बेस्ड ऑन द पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? Okay, so answer to this question guys, both of the statement is absolutely correct. So World Bank जब countries को economic grounds पर बांटता है, यानी कौन सी country developed country मानी जाएगी, कौन सी country underdeveloped मानी जाएगी, ये होता है उसके per capita income से। अगर मैं per capita income आपको देसी भाषा में समझाऊं कि भाई per capita income क्या होती है, ये हो गई total income, एक कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। अब इंडिया में भले ही इंडिया के पास पैसा ज्यादा हो तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। ठीक है, सो टेक्निकली जो वर्ल्ड बैंक का डिविजन है वो इस हिसाब से है, ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम $12,376 से ज्यादा है वो हाई इनकम कंट्रीज कहलाती हैं। मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम जो कि इस बीच में रहे 12,300 से बीच में $4,000 एनुअली अगर कोई कमाता है पर व्यक्ति, ठीक है, उसको मिडिल इनकम ग्रुप में डाला गया जाएगा। और इंडिया को गाइस, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, ये रेशो आपके लिए, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एज पर वर्ल्ड बैंक है $2,041 पर कैपिटा। ठीक है, सो इंडिया को अभी हम लोअर मिडिल लेवल यानी लोअर मिडिल कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, इट इज एज पर दी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, यू शुड नो दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रेट अवे रिलेटेड टू द बजट।
इन स्टेटमेंट्स को दोनों को पढ़ो. हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज मोर देन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इन लास्ट फ्यू ईयर्स. जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, इन लास्ट फ्यू ईयर्स. एंड देन द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट फॉर द ईयर ऑफ 2021 हैज बीन सेट एट 15 लाख करोड़. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एंड ऑल दोस पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड मी गाइस, एक तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों. और ये दिया है नीचे टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक भी दिया हुआ है. टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा. ओके सो गाइस, मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर दूं. हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं हम? हॉर्टिकल्चर कहते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ठीक है. ऑल दीज स्टफ्स कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर, ठीक है. ऑल दीज स्टफ्स कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर. नाउ टेक्निकली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज मेरे पास डेटा है. गाइस डेटा क्या कहता है, हम अगर हम पिछले कुछ सालों की कंपैरिजन में बात करें, सो हॉर्टिकल्चर का टोटल प्रोडक्शन है 311 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि आपके फूड ग्रेन जिसमें वीट, राइस, पल्सेस आता है वो 82-84 मिलियन मेट्रिक टन है. सो टेक्निकली बजट के अकॉर्डिंग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है. देन इफ आई टॉक अबाउट द बजट टारगेट रिसेंटली, जो क्रेडिट टारगेट है यानी ब्याज दर, कितना ब्याज एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया जाएगा, उसको भी बढ़ा दिया गया है, 15 लाख करोड़ कर दिया गया है, ठीक है. नाउ गाइस आंसर इज सॉरी आंसर इज सी, माय बैड, आंसर इज सी. मैंने यहां पर गलती से सेकंड टिक कर दिया. आंसर इज सी, इट इज मोर देन दैट, ठीक है. सो एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा गाइस, जितना भी ऐसा डेटा वाइज क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे यूपीएससी ने एक डेटा डाल दिया, एक टर्म डाल दी भाई 15 लाख करोड़, और स्पेसिफिकली सिग्निफाई कर रहा है 2021 में. अब गाइस ऐसे डेटा कई बार याद नहीं होते हैं, मुझे भी याद नहीं होते, बार बार पढ़ना पड़ता है इनको याद करने के लिए. सो एक आप ऐसी नॉलेज भी यूज कर सकते हो, ज्यादातर डेटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो राइट होते हैं, वो स्टेटमेंट राइट होती है. सो आप थोड़ा सा ऐसा गेस वर्क करके, स्मार्ट गेस करके अपने आंसर को सही कर सकते हो, ठीक है. बट हाँ, लॉजिक भी उसके लिए चाहिए होगा. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी. ओके सो गाइस थर्ड क्वेश्चन का वैसे आंसर तो ए है, बट मैं पहले आपको समझा दूं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते कैसे हैं, किसे. सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इनटू यू नो 1000% नेट सोन एरिया. यानी आप सिंपली इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट सोन एरिया. क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी जितने एरिया में क्रॉप आपने उगाई है और जितने एरिया में आपने प्रोडक्शन करी है, ठीक है. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया, यानी कितनी क्रॉप टोटल उग रही है. फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आप इस पूरे लैंड में कोई भी फसल उगाते हो तो जरूरी नहीं है कि इस लैंड के बराबर ही आपको जो क्रॉप मिले, वो एक रेशो के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है.
जरूरी नहीं है कि हर लैंड की प्रोडक्टिविटी सेम हो, सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैन वेरी। सो इंडिया में जो एज पर जो हमारी इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है गाइस, वो है 136%, क्योंकि कई केस में हम एक लैंड पर एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप उगा देते हैं, कई बार तो तीन तीन क्रॉप भी उगती है। सो ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इट इज 136%। इज इट क्लियर? इट इज 136%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Which of the following is correct, guys? Question number 4th. Okay. So, guys, answer to this question number 4th is B. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन कैलकुलेट करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, ये कमीशन कैलकुलेट करता है कि कितना एमएसपी दिया जाना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, इट रिकमेंड्स द एमएसपी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फाइनली इसको अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि एक सेंट्रल लेवल की कमिटी है। तो रिकमेंड सीएसीपी करता है और अप्लाई कौन करता है यानी डिक्लेयर कौन करता है, वो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अंदर गाइस बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करा जाता है, जिसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट टू द फार्मर्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट बोथ इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी एटसेट्रा। Now, among these special criteria for recommending the MSP, one of the most important one is cost of production of the farmers and the margin of profit on it. ठीक है, so it is not just on the 50% of actual paid cost. ठीक है, it is not just on the 50% of the cost. There are other factors as well. Now, guys, जो आपका एमएसपी है वो कई सारी आपके कमर्शियल क्रॉप के ऊपर भी लगाया जाता है, जिसमें से एग्जाम्पल कुछ है वो है मस्टर्ड, रेप सीड, कोपरा। ये कुछ ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स है जिसके ऊपर एमएसपी डिक्लेयर करा जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईनैम। गाइज ये हमने कवर करा था लास्ट मंथ के करंट अफेयर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कह लो या पॉलिसी कह लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ईनैम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट अबाउट ईनैम? देयर आर टू स्टेटमेंट, रीड इट वेरी केयरफुली। ओके, आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस इज डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। मैं आपको फटाफट बता दूं यहां पर, ईनैम गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है।
ये टॉपिक आप एसएसबी में भी इस्तेमाल कर सकते हो और गारंटेड इससे रिटन में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इन अंडर ईनैम सेल ट्रेडर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कुड बिड whosoever quote the highest price the farmer can sell the produce to the trader. So basically अभी जो दो problematic bill जो जिसके ऊपर अभी बहुत सारे farmers protest भी कर रहे हैं वो basically इसी middleman को target करता है guys. और ENAM का भी basic target यही है कि middleman को बीच से हटाना. आप खुद ही देखो एक farmer को आलू प्याज जैसी चीजों का दाम कितना पड़ता है, 2 से 3 रुपए प्रति किलो. Whereas, जब हम इसे मार्केट में खरीदते हैं तो लगभग 30 से 40 रुपए प्रति केजी चुका रहे हैं. सो टेक्निकली फार्मर के लिए हम कुछ भी नहीं दे पा रहे. सो इस केस में होगा क्या, ईनैम एक इलेक्ट्रॉनिक मंडी होगी जहां पर सारे ट्रेडर्स अपने अपने प्राइस कोट कर सकते हैं और फार्मर्स जो भी ज्यादा प्राइस कोट करेगा उनके प्रोड्यूस का अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी उसको जाकर बेच सकता है. सो The farmer will receive the payment in his account and then only the trader can take the physical produce from the mandi. यानी जिस भी trader से deal set हो जाए वो trader उससे लेके जा सकता है. अच्छा, the transportation charge will be on the trader's account. यहाँ पर farmers का transportation cost भी बच जाता है. So guys, अब खुद ही देखो, एक अगर मान के चलो तुम नागपुर से संतरे मंगा रहे हो और दिल्ली में आपको एक्सपोर्ट उसको लेके आना है. सो नागपुर से संतरे दिल्ली तक लाने में एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो ऐड होगा. सो टेक्निकली अभी ईनैम एक यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देता है. सो यहीं से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है. इज इट क्लियर? इवन इफ द फार्मर वॉन्ट्स टू सेल द प्रोड्यूस ऑनलाइन थ्रू ईनैम प्रेजेंटली ही नीड्स टू टेक द प्रोड्यूस इन द फिजिकली इन द एपीएफसी मंडी एंड देन लॉग इन टू द ऑनलाइन पोर्टल. अभी क्या हो रहा है, उसको फिजिकली लेके जाना पड़ता है. सो गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है कि हम किसी तरीके से उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि कई ऐसी कमोडिटीज होती हैं जो कि होती है पेरिशेबल. अब पेरिशेबल कमोडिटी को आप बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते. दूसरा, हमारे देश में वेयर हाउसेस की भी कमी है. ठीक है, तो सरकार इन्हीं सब चीज़ों पर काम कर रही है कि जैसे ही हम प्रॉपर वेयर हाउसिंग या स्टोरेज फैसिलिटी कंसिडर कर देंगे या इसको बना देंगे, इससे होगा क्या, आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाओगे और फार्मर भी अपने गुड्स को स्टोर कर पाएगा और वेट करेगा ताकि इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कैन गेट अ बेटर प्राइस. एज सिंपल एज दैट. ओके, नेक्स्ट डी होगा इसका आंसर गाइस. नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ये तो गेस करना आसान होगा. गाइज, आज की क्लास का टॉपिक एग्रीकल्चर है तो ऑब्वियसली इट विल बी रिलेटेड टू समथिंग और द अदर एज एग्रीकल्चर. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. इट इज अ सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप्स विच इन्वॉल्व्स peer review approach and it is supported through the Parampragat Krishi Vikas Yojana where the farmers can play a certifying role whether the farms in their vicinity adhere to the organic cultivation practices or not. ठीक है, so this participatory guarantee scheme is directly linked to the organic farming और कह सकते हो आप एक collaborative farming का एक example है जहां पर सारे फार्मर्स इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनिक खेती हो रही है या नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फसाई.
एंड द ऑर्गेनिक फूड्स। ओके, कोई बात नहीं रौनक, ट्राई नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक फूड्स इन इंडिया। ओके गुड साजन, बट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ओके आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइस सी, ठीक है। यस, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द ऑर्गेनिक फूड इन इंडिया। इज इट क्लियर? तो फसाई ऑर्गेनिक फूड्स को रेगुलेट करती है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ऑर्गेनिक फूड का मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस एनी फूड टू बी सोल्ड एज ऑर्गेनिक इन इंडिया इट विल हैव टू बी सर्टिफाइड अंडर टू प्रिवेलिंग सिस्टम, ठीक है। दो प्रिवेलिंग सिस्टम के अंदर इसको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। सबसे पहला सिस्टम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर इंडिया। ये दोनों स्कीम मैंने, ये वाली स्कीम अभी पढ़ाई थी, ठीक है। इसके बाद फसाई ने ही डेवलप करा है गाइस ऑर्गेनिक फूड के लिए एक लोगो, जो कि है जैविक भारत। दिस इज द लोगो। ओके, क्या बात है, वेरी गुड साजन। सो दिस इज अगेन, इट इज अ गुड एरिया ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। So, जैविक भारत इज द लोगो फॉर ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कृषि विज्ञान केंद्र। ये सारी चीजें गाइस इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स है। इको के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक इको। स्टैटिक इको में आ गए कंसेप्ट्स इको के। सो दूसरा जो हम आज की क्लास में देख रहे हैं, इट इज मोर ऑफ अ करंट अफेयर्स लिंक्ड इको। ये इको के ही कंसेप्ट है जिसको करंट के साथ या स्कीम्स के साथ लिंक करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। स्टैटिक हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पूरे वीक हमने स्टैटिक चीजें रिवाइज करी है, आप इनको देख लीजिएगा। और नीचे दिया है मेरा टेलीग्राम चैनल गाइस, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर मैं अपने सारे लिंक्स दे देता हूं, इस सेशन का पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो यू कैन गेट इन टच विद मी ओवर दिस टेलीग्राम चैनल। ओ आई एम सॉरी, यहां पर सेकंड एंड फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड एंड फर्स्ट कर लीजिए यहां पर। इट इज अ टाइपिंग एरर। ओके, सो गाइस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। बेसिकली एक कृषि विज्ञान केंद्र, मैं आपको बता दूं, इट इज फाइनेंस जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, CSS 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। सो इट इज 100% फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे आर सैंक्शनड टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ICAR इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल NGOs इन एग्रीकल्चर। इट इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, ठीक है।
दिस केवीकेज हैव बीन फंक्शनिंग एज अ नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग इनिशिएटिव फ्रॉम द पब्लिक प्राइवेट एंड द वॉलंटरी सेक्टर फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सो एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड आर लिंकिंग द रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट विद द एक्सटेंशन सिस्टम्स एंड द फार्मर्स. Now this KVK is a technology assessment and demonstration for its application and capacity development. So आपके कृषि विज्ञान केंद्र का जो बेसिक काम है वो है साइंटिफिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करना. ठीक है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करना रिसर्च बेस पर. साजन जैसे लोग इसमें काम करते हैं जहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी पर नए इनोवेशंस आती हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, एक FPO फूड प्रोसेस फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है. वो UN की एक एजेंसी है बट यहाँ पर हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. अच्छा, जितने भी लोग अभी ज्वाइन करेंगे इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो और ये सारी PDF आपको फ्री में मिल जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, मेनी ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट हेयर. बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट हेयर. सो द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर, फिशरमैन, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर. इनका बेसिकली काम क्या है? सबसे पहले तो एक कॉपरेट सोसाइटीज की तरह एक्ट करते हैं जिनका एक लीगल सेटअप है और इनका एम है टू एंश्योर बेटर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन. ठीक है, ताकि हर किसी की आमदनी बढ़ सके. सो द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मेंबर्स आर द फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. गाइस, इस पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, SAFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एंड NABARD इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ दीज FPOs. ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, PM किसान, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गाइस, इस पर स्टार मार लेना और ये आपका होमवर्क है. ये स्कीम को आपको इन डेप्थ पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये इस साल की PM किसान योजना. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये वो स्कीम है जिसमें आपने सुना होगा 6,000 रुपए मिलना है किसान को साल का. और इसका एक दूसरा नाम भी है, ये एक और नाम से जानी जाती है. वो दूसरा नाम जो भी इस वीडियो को बाद में देखेगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा क्वेश्चन नंबर 10 लिखकर, और आप सब भी बाद में रिसर्च करके कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे. ओके, सो गाइस आंसर टू दिस इज डी. ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करो गाइस. ऑल फार्मर्स आर एलिजिबल विदाउट एनी एक्सेप्शन. ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि विदाउट एनी एक्सेप्शन? अगर मैं अपने ये बोल दूं कि मैं अपने घर के छत पर गमले में खेती कर रहा हूं और गेहूं उगा रहा हूं तो मैं किसान अपने आप को बोलूंगा, बट क्या मैं एंटाइटल्ड होंगे इस PM किसान के लिए? तो कुछ तो एक्सेप्शंस होंगे ना यार. ऐसी इसको देखो, स्टेटमेंट को पढ़ के नहीं लग रहा कि इट इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट.
सो ज्यादातर एक्सट्रीम स्टेटमेंट गाइस, जब भी यूपीएससी एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाए जहां पर ऑल लिख दे या ऐसा कुछ लगे कि स्टेटमेंट ओनली का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा कुछ बना दे, सो इन वर्ड्स को अक्सर फोकस करना ऐसी स्टेटमेंट गलत होती है। दूसरा गाइस, मैंने आपको हिंट भी दी थी, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट आप हिंट से आंसर कर सकते थे। अगर मान के चलो सरकार फ्री में पैसे बांटे जा रही है, यानी लोगों के पास मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो भाई इन्फ्लेशन तो आएगा ना। सो हाउ दिस कैन बी नॉन इन्फ्लेटरी? इट इज डेफिनेटली इन्फ्लेटरी, ठीक है? इट इज डेफिनेटली अ इन्फ्लेटरी इन नेचर, इन्फ्लेशन बढ़ाएगी ये। जैसे आपने देखा था इलेक्शन के टाइम पर कांग्रेस ने डिक्लेयर करा था कि उन्होंने अब होगा न्याय, नेशनल अशोर्ड इनकम करके उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, ठीक है, जहां पर साल का शायद 72,000 रुपये वो गरीब परिवारों को दे रहे थे। सो गाइस, अब ये 72,000 रुपये दे सकते हो गरीब परिवारों को। अब मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग और आई एम अगेंस्ट कांग्रेस, आई एम जस्ट यू नो मेकिंग यू एनालाइज द द पॉलिसीज विच कैन लीड टू इन्फ्लेशन। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। सो ऐसी पॉलिसी जहां पर डायरेक्टली आप मनी सप्लाई करोगे, लोगों के पास पैसा बढ़ाओगे, उससे आपको डेफिनेटली इन्फ्लेशन आएगी मार्केट में। दूसरा, लोग काम करने बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, भाई 72,000 रुपये आ रहा है, बहुत है, रोटी खा लेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर गाइस 6,000 रुपये, 2,000 की ईच इंस्टॉलमेंट में किसानों को मिलता है, जिसके अंदर ये क्राइटेरियाज है, ठीक है, ये क्राइटेरियाज है कौन कौन सी किसान को कैसे कैसे मिलेगा, ठीक है, और कौन 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 से एम्प्लॉयज इसके अंदर एंटाइटल्ड होंगे, वो सब मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक बार इस पूरी डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ जस्ट आफ्टर द सेशन शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ओके, नेक्स्ट, नेशनल जीन फंड, ये क्या होता है गाइस? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेशनल जीन फंड? यस राहुल, इट इज फॉलोड देयर, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, सच टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर गिवन देयर, बट यस कंसिडरिंग द पॉपुलेशन साइज ऑफ देयर इकोनॉमी एंड आवर इकोनॉमी इज डिफरेंट, ठीक है, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे देशवासी यूरोप में रहने लायक है नहीं, आपको भी पता है, एक से एक खूंखार व्यक्ति भरा पड़ा है हमारे देश में। सो गाइस, 11th क्वेश्चन का है डी, आपका ये जो नेशनल जीन फंड है, इट इज एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी फार्मर्स एक्ट ऑफ 2001, ठीक है, इसके अंदर नेशनल जीन फंड को एस्टैब्लिश करा गया। सो द ब्रीडर विल हैव टू पे द रॉयल्टी विच विल गो टू द नेशनल जीन फंड, यानी जो भी उस जीन का इस्तेमाल करेगा, जो भी उस जीन का ब्रीडर होगा, उसको एक रॉयल्टी पे करनी होती है, ठीक है। द अमाउंट विल बेनिफिट द शेयरिंग टू द वेराइटी विल हैव टू बी डिपॉजिटेड बाय द ब्रीडर ऑफ सच अ वेराइटी ऑफ नेशनल जीन फंड। ओके, इसके बारे में मैं आपको इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा गाइस, ऐसी चीजें हम एग्रीकल्चर में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट ऑफ 2001, ये आपके जो एरियाज हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजीज का करंट एप्लीकेशन। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं गाइस जो हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगा रही हैं, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है, इनके बीज को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपको बार 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 इन कंपनियों के पास जाना पड़ेगा और सीड्स को खरीदना पड़ेगा। सो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, बट अभी ये जो बात कर रहा है क्वेश्चन वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 की। ओके, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर बी है, मैं आपको इस एक्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इट प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड द राइट ऑफ फार्मर्स एंड द प्लांट ब्रीडर्स
टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, ये एक्ट नई वेराइटीज प्रमोट करता है. सो द ब्रीडर विल बी एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट शेयरिंग अंडर द एक्ट डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी. सो फार्मर शैल बी डीम्ड टू बी एंटाइटल्ड टू सेव, यूज, सो, रीसो, एक्सचेंज, शेयर और सेल हिज फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग द सीड ऑफ द वेराइटी प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट इन द सेम मैनर एज ही वॉज एंटाइटल्ड बिफोर कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दिस एक्ट. सो इट प्रोवाइडेड दैट द फार्मर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेल द ब्रांडेड पैकेज ऑफ सीड वेराइटी प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट. ठीक है. यस, एट टाइम्स यू हैव टू डू अ बिट ऑफ यू नो वाइल्ड गेसेस एज वेल. हाँ, आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ है, मैं एग्री करूंगा. थोड़े से बजट रिलेटेड क्वेश्चन है ये. मैंने सोचा था इसको भी थोड़ा सा डाल देता हूं मैं, ताकि क्या पता इनमें से कुछ क्वेश्चन फिट हो जाएं. ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन है, आई एग्री. नेक्स्ट इज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. Private guarantee scheme is related to which of the following? I will share the PDF, Ronak. Don't worry. You can read through the PDF. Okay. Absolutely correct, Akshita. First one to answer and the Mohita is second one. Good, guys. A. Construction of godowns in a PPP mode is the correct answer. The schemes basically covers all the construction of these godowns, which is controlled by the central warehousing committees, corporations, and the state warehouse corporations, etc. Okay? Okay, next. Which of the following is true regarding open market sale scheme? Which of the following is true regarding open market sale scheme? ओके, करेक्ट आंसर राहुल, अक्षिता, स्वीटी, मोहिता. वेल, वेरी गुड गाइस. इट इज डन बाय एफसीआई. आज मोहिता के काफी सही हो रहे हैं और अक्षिता के भी. ठीक है. सो इट इज डन बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू सेल द फूड ग्रेन्स एट अ प्री डिटरमिंड प्राइस थ्रू अ ई ऑक्शन. ठीक है, यहां पर एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्री डिटरमिंड प्राइस पर ई ऑक्शन के जरिए ये इसको बेचती है. ठीक है. ओके, सेंट्रल इशू प्राइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेंट्रल इशू प्राइस? कौन से क्वेश्चन का बात कर रहे हो साजन? ओके, बी तो है आंसर. व्हाट इज द कंफ्यूजन? एफसीआई ही तो बोला मैंने भी. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 15 का सी होगा, 1 एंड 3. सो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल इशू प्राइस वो प्राइस होता है
एट विच द फूड ग्रेन्स वीट एंड राइस आर इशूड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटी फ्रॉम द सेंट्रल पूल एट अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. TPDS का फुल फॉर्म क्या है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो सेंट्रल इशू प्राइस इज फिक्स्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ये फिक्स करती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो द CPI फॉर राइस एंड वीट हैज बीन फिक्स्ड एट 3 rupees पर kg एंड 2 rupees पर kg रेस्पेक्टिवली अंडर नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट. ये भी मैंने कवर करा था ENAM पढ़ाते समय, ठीक है. नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है गाइस ये, जिसके अंदर आपका जो राइस है वो 3 rupees किलो, गेहूं है 2 rupees किलो और 1 rupee किलो है कोर्स ग्रेन, जिसके अंदर रागी, ज्वार, बाजरा ये सब आ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं FCAT में, CDS में भी आ जाते हैं वैसे तो. भाई सबसे ज्यादा कैटल क्या उत्तर प्रदेश में है और क्या सबसे ज्यादा पोल्ट्री महाराष्ट्र में? ओके, 16th का गाइस करेक्ट आंसर है डी. एक्चुअली द प्रोविजनल डेटा ऑफ 20th लाइफ सेंसस वाज रिलीज ऑन 19 अक्टूबर बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. वेस्ट बंगाल के पास है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल. नाउ इन द प्रीवियस सेंसस यूपी हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कैटल पॉपुलेशन. सो वेस्ट बंगाल के पास कैटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो गई है. उसके बाद तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री. इज इट क्लियर? सो ये लाइफ स्टॉक सेंसस था हमारे देश का, 2019 में अक्टूबर में रिलीज करा गया था. सो वेस्ट बंगाल विद हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल्स एंड तमिलनाडु विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री. ओके, रिसेंटली द टर्म इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लिमिट वॉज देयर इन न्यूज. इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है दिस इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लिमिट इज रिलेटेड टू द पेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, दिस थ्रेशहोल्ड लिमिट इज द इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल और द एक्सटेंट ऑफ द क्रॉप डैमेज एट विच द वैल्यू ऑफ द डैमेज क्रॉप एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग द पेस्ट. ठीक है, कि कई बार पेस्ट इतना ज़्यादा क्रॉप को डैमेज कर देते हैं कि पेस्ट को कंट्रोल करने की जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ द क्रॉप से ऊपर चली गई. तो इस केस में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट बीट हो गई. गेम समझ आ रहा है? मान के चलो किसी, अभी आए थे ना टिड्डी दल, लोकस्ट अटैक. सो इतना ज़्यादा गेहूं और ऐसी क्रॉप्स को नुकसान पहुँचा दिया था इस लोकस्ट ने, कि अगर आप इस लोकस्ट को भगाने के लिए कुछ भी ऐसे इनपुट्स डालते, ऐसे फर्टिलाइजर्स सॉरी पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते, उसकी कॉस्ट टोटल वीट की कॉस्ट से ऊपर जा रही है. सो इस केस में बोला जाता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट हैज बीन बीटन. सो द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर
has said that the pink bollworm infestation at the cotton crop has crossed the economic threshold limit in some parts of Maharashtra. So iska ek common example aapka ye bollworm infestation tha jo cotton crops mein ho jata hai. Cotton crop bhi bhai bahut delicate crop hoti hai, isko maintain karna kafi mushkil hai. Okay, next question guys is around nutrient based subsidy. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी ओके सो इसका आंसर है गाइस 18 का सी 1 and 4. सो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर्स, यानी फॉस्फेट और पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर को ही दे आर कवर्ड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी. नाउ इट इज नॉट फॉर यूरिया बेसिकली विच इज अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर. सो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के लिए ये नहीं है. नाउ गाइस अगर मैं आपको हमारी पुरानी जो ये न्यूट्रिएंट सब्सिडी पढ़ाऊं, इससे पहले सरकारों ने इतना ज़्यादा सस्ता सब्सिडी दी, इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी यूरिया जैसे फर्टिलाइजर पर कि इसकी पूरी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा लो हो गई, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव यूरिया किसानों ने यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप डैमेजेस हमारी हमारे देश में फेस करने पड़े. अब धीरे धीरे सरकार इसको फिक्स कर रही है और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को भी यू नो सब्सिडाइज करने की कोशिश कर रही है ताकि एक यूनिफॉर्म तरीके से न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स में डाले जा सके. ठीक है, एज द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट इज फिक्स्ड सो दैट द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्टिलाइजर वेरीज विद द चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइसेस. सो this is all about the nutrient based subsidy. Okay, next question is about the minimum support price. Which of the following is correct about the minimum support price? Or there is one minimum import price as well. Correct, Sajan. It has direct links to the health problem as well. ओके सो गाइस मैं आपको बता दूं, डी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. सो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इज अ प्राइस व्हिच इज बिलो व्हिच एक्सपोर्ट्स आर नॉट परमिटेड. ठीक है, एक स्पेसिफिक प्राइस जिसके नीचे एक्सपोर्ट्स आर नॉट अलाउड. इट इज बेसिकली इम्पोज टू कर्ब द प्राइस राइज एंड द प्रिवेंट डिस्ट्रप्शन इन द डोमेस्टिक सप्लाई, ताकि डोमेस्टिक सप्लाई प्रॉपर तरीके से चैनलाइज हो सके. सो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इसलिए लगाया जाता है. बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी होता है गाइस. इट इज द प्राइस बिलो विच इंपोर्ट्स आर नॉट अलाउड. ठीक है, इट इज इम्पोज टू कर्ब द इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. नाउ गाइस व्हाट इज इंडिया डज इन द केस ऑफ चाइना. चाइना के केसेस में हम कई ऐसी प्रोडक्ट्स पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाते हैं. ठीक है, इसी को मैं आगे आपको इकोनॉमिक्स कोर्स में कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, डंपिंग. चाइना हमारे देश में डंपिंग बहुत ज्यादा करता है, जिसको इकोनॉमिक डंपिंग बोलते हैं, और इंडिया उसको टैकल करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इम्पोज करता है. ठीक है, इंडिया इम्पोज करता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज को
ताकि प्राइस दोबारा से चाइना के आते हुए माल का ऊपर हो जाए और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस। पीएम आशा स्कीम। अच्छा, ऑल दोज पीपल हु वांट्स टू गेट इन टच विद मी, आप ये कंफ्यूज्ड हो कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप मी ऑन ठीक है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, इन ऑर्डर इफ यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन यू कैन रीच मी आउट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 8595554395 एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन रीच माई टेलीग्राम चैनल। वेरी गुड नीलेश, हाउ इट इज यूज आई विल एलैबोरेट ऑन दैट एज वेल। सो गाइज, पीएम आशा इज अ प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, इट वॉज एम्ड टू इंश्योर रेमोरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस एज अनाउंस्ड इन द बजट 2019। ठीक है, द न्यू अम्ब्रेला स्कीम इंक्लूड्स द मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग द प्राइसेस टू द फार्मर्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब स्कीम्स, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम एंड पायलट ऑफ द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, बेसिकली इट इज अ प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द डे गाइस, टाइम नाउ फॉर आर डेली मोटिवेशन विच इज अल्टीमेटली अ मोटिवेशन। सो आज की मोटिवेशन आपके लिए क्या है, मोटिवेशन इज वॉट gets you started and habit is what keeps you going, so how you gonna manage them both is up to you। motivation से एक दिन के लिए तो जोश आ जाता होगा, but दोस्तों पढ़ने की आदत बनाइए ताकि आपको मेरी daily motivation की जरूरत भी ना पड़े, आप self motivated रहे। so guys, इस telegram channel को join कर लीजिएगा, PDF के लिए, आने वाले मेरे सभी वीडियोस के लिंक के लिए, शाम को 5 बजे मैं करंट अफेयर सेशन के लिए आऊँगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो लिंक्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अब मैं आपको मिलूँगा मंडे ऑनवर्ड्स गाइस, मैं आप सबके लिए 11 बजे करंट अफेयर के सेशन ला रहा हूँ, और मंडे से लेकर आपके 30th तक, यानी इस मंथ के एंड तक, हम करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, डेडिकेटेडली इट विल बी करंट अफेयर्स, एंड मैं कोशिश करूंगा इसको टॉपिक वाइज लेके आऊं, हर रोज किसी ना किसी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और ये मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, जो भी लर्नर इस कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लेगा गाइस, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा दैट हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स, इज इट क्लियर। सो दिस इज ऑल माय गारंटी दैट आई विल वर्क हार्ड फॉर यू गाइस एंड यू हैव टू वर्क हार्ड मोर देन मी। सो टिल देन, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना, मेहनत करते रहिए।